कुछ दिनों के लिए दिखाई दिया, लेकिन अभी जिनी ने इमरान से शादी कर लिया, इसलिए इमरान का जो है जिनी के मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं है, इमरान दिखाई नहीं दे रहा है और जिनी जो है वो भी वीडियो नहीं बना रही है क्योंकि जिनी ने इमरान से शादी कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो जी मेरी फेस की जो सूजन है थोड़ा आज कम लग रहा है, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक है, पहले से बेटर हूँ मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात करते हैं हम कॉपी फूड वालों के बारे में। तो जी देखो एग्जैक्ट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जिन्हें कहाँ है, जिन्हें दो महीने से ब्लॉक क्यों नहीं डाले वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर को जो लोग जानते हैं कि हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग डीएम भी करते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं। कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, डीएम में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अब उनमें से क्या सच है क्या झूठ है ये हम यूट्यूबर लोग तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, बट जो जो डीएम से कमेंट्स आते हैं हम उसके बेसिस पर बात करते हैं, फिर उनके पास जो कमेंट्स आते हैं हम उसके बेसिस पर बात करते हैं। तो बहुत दिनों से जिनी जो है वो सोशल मीडिया में मीडिया से गायब है, कभी कभी अपने भाई के ब्लॉग में आ जाती है लेकिन वो खुद का व्लॉग नहीं डालती है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण तो जैसे कि मैंने बोला है कि सोशल मीडिया से जो है उसको बहुत ज़्यादा हेट और निगेटिविटी मिल रही थी। ऑफकोर्स उसने जो किया है वो सही नहीं किया है और उसके जिसके चलते उसको जो है निगेटिविटी और हेट मिल रही थी, जो कि लाजमी सी बात है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप पाकिस्तान में हो, कोई भी डिवोर्सी औरत के लिए वो भी शादी का एक साल भी नहीं गया, छः महीना भी नहीं गया, उसके अंदर अंदर अगर आप डिवोर्स ले रहे हो, लव मैरिज है, तो चाहे 10 साल बाद ही क्यों ना हो, डिवोर्स अगर इंडिया में होता है तो गलती हमेशा औरतों की गिनाई जाती है, भले वो औरत सही हो या गलत हो, लेकिन यहाँ पे जिनी भी गलत है क्योंकि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन जिनी की गलती तो है। अब जैसे कि हो गया कि जिस YouTube से ये लोग कमाते हैं, जैसे नाजिया पर कमाती है, शेरू भाई कमाते हैं, जिनी कमाती है, रियाज और उसकी अम्मा कमाती है, हर कोई कमाता है, लेकिन अगर एक यूट्यूबर मान लो सडनली मैं भी गायब हो जाती हूँ तो बहुत सारे लोग का जो है एक मन में ये रहेगा कि ये कहाँ गई। जो लोग पसंद नहीं करते वो भी जानना चाहेंगे कि वो उम्मीद करेंगे कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे साथ बुरा होगा तभी उनको खुशी मिलेगी और जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरी फिक्र करेंगे। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स उनके भी वीडियोज़ में देखने को मिलता है। अगर आप लोग नाजी आपा या फिर शेरू के वीडियो के कमेंट चेक करोगे तो उनके वीडियोस में जो है नीचे कमेंट मिलते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो फिक्रमंद होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि जानना चाहते हैं कि मतलब हेटर्स होते हैं जो जानना चाहते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब से कमा रहे हो या फिर यूट्यूब से आपने कमाया है तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि जो भी आपके चाहने वाले हेटर्स ना सही, लेकिन चाहने वालों को इतना तो आप रीज़न बता दो कि भाई आप क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो या फिर कब तक आप आओगे। जैसे कि शेरू भाई वो कभी भी चले जाते हैं कभी भी आ जाते हैं, ब्रेक लेना ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है, वो भी खासकर उस वक्त में जब बीवी की उंगली टूटी हुई हो, बच्चे का खतना हुआ हो, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी बात है और अच्छी बात है उसने ब्रेक लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपने चाहने वालों को बता के जाए कि गाइस ऐसा ऐसा सीन है, आप लोगों को पता है कि जैसे कि नूर की उंगली टूटी हुई है और जैसे कि तब्बू का भी खतना हुआ है, तो घर में जो है तब्बू को संभालने के लिए, नूर को संभालने के लिए जो है व्लॉगिंग अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैं कुछ दिनों का जो है गैप ले। वो लोग जो है ना अपने तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं देते हैं। सेम जो है ना बहुत सारे लोगों का जिनी को लेके सवाल है, क्योंकि जिनी को लेके सवाल होना लाजमी है क्योंकि जिनी जो है एक पब्लिक फिगर है, उसने अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक में शेयर करी है, अपना डेली रूटीन शेयर किया है, यूट्यूब में बहुत सारे लाखों लोगों के साथ उसका एक कनेक्शन रहा है। सो रोज़ जो लोग हमको देखते हैं, अगर अचानक हम गायब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। मैं भी अगर एक दो दिन वीडियो नहीं बनाती तो मुझे भी लोग पूछते हैं, कमेंट्स के थ्रू पूछते हैं, डीएम के थ्रू पूछते हैं, कोई कोई फ़ोन करके पूछता है जिनके साथ मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ। सो ये लाजमी सी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो तो आपको अपने जो सब्सक्राइबर है या फिर चाहने वाले बोल लो सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हेटर्स होते हैं जो सिर्फ नफरत के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखते हैं, लेकिन जो चाहने वाले हैं उनको एटलीस्ट बता दो कि आप कहाँ हो, खैर खैरियत से क्या नहीं है। जैसे कि जिनी के बारे में हमेशा नाजी आपा से क्वेश्चन किया जाता है, शेरू से क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन वो लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, हालांकि वो उनके घर वाले ही है और उनके बारे में अगर कोई गलत बोले तो वो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। जिनी के बारे में जब हम वीडियो बनाते थे तो हमारे खिलाफ़ बोलने वाले या फिर हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले वही लोग थे। तो भाई जब तुम्हारी बहन गायब है और तुम्हारी बहन के बारे में जब पूछ रहे लोग, बहुत सारे लोग मैं यहाँ पर लगा दे कमेंट देख लो कि फिकर के मारे भी पूछते हैं कि भाई इंसान का एक दिल से दिल का नाता हो जाता है। तो ये मुझे ये लगता है कि भाई अगर किसी के साथ तुम्हारा दिल से दिल का नाता जुड़ गया तो तुमको उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनसे पूछ के कोई फ़ायदा नहीं होता है।
ये जो है कोई भी सवालों का जवाब नहीं देते कि भाई क्या है क्या नहीं क्या नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत तरीके की बातें जो है वो होने लगती है, बहुत तरीके की बातें उठती भी है। जैसे कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स चेक करोगे या उनके कमेंट बॉक्स चेक करोगे, जैसे कि नाजिया आपा ने जो है तब्बू का बर्थडे का व्लॉग डाला था, खैर शेर भाई तो नहीं डाला, नाजिया आपा ने डाला था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि जिन्हें घर से भाग के शादी कर लिया है, जिन्हें कहा है सब घर वाले जिन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया कि जिन्हें घर से भाग के शादी की। अब क्या सच है क्या झूठ है इस पर तो हम मोहर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग जो हमको आके कन्वे करते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो डीएम्स करते हैं, हम वो उसी 20 चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिन्हें ने घर से भाग के शादी किया है, नहीं किया है, किससे किया है, लेकिन अब सुनने में ये भी मिल रहा है। चाहे आप मेरे कमेंट बॉक्स चेक कर लो या फिर मुझे डीएम्स भी मिले हैं कि जिन्हें ने जो है इमरान से शादी कर लिया है, इसलिए जिनी और इमरान एक साथ गायब है। इमरान तो कुछ दिनों के लिए दिखाई दिया लेकिन अभी जिनी ने इमरान से शादी कर लिया, इसलिए इमरान का जो है जिनी के मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं है, इमरान दिखाई नहीं दे रहा है और जिनी जो है वो भी वीडियो नहीं बना रही है क्योंकि जिनी ने इमरान से शादी कर लिया है। अब देखो क्या सच है क्या झूठ है वो बिल्कुल नहीं पता मुझे, ना ही इस बारे में मैं कोई मुहर लगाऊंगी, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वह वो बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें जिनी के बारे में उठ रही है, कॉपी फूड वालों को एक बारी में आके बैठ के सारी चीज़ें इन डिटेल में बोलने, पहले की तरह जो ऊपर ऊपर से सच को झूठ, झूठ को सच बना के बोलने की ज़रूरत नहीं, इन डिटेल में बता सकते हैं कि भाई जिन्हें क्यों नहीं है यूट्यूब में, क्या रीज़न है, कब वापस आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी, और जो जो एलिगेशन सूट रहे कि जिन्हें भाग गई है घर से, भाग के शादी कर ली, इमरान से शादी कर ली, जो भी सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। सच क्या है झूठ क्या है हम जो है ना हमको नहीं पता है, बस उनको ही पता होगा, लेकिन जो पब्लिक आके हमको बोलती है फिर हमारे वीडियो में कमेंट्स करते हैं, हम उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है सवाल उठ रहे हैं, ये बातें उठ रही है। मुझे लगता है कि अगर वो एक लड़की है, अगर उसने शादी नहीं किया है और अगर कर भी लिया तो उसके फ्यूचर के लिए यही सही होगा कि इन सारी चीज़ों को अगर वो सच है तो सच को एक्सेप्ट करो, अगर एलिगेशंस है तो उसको उसका भी सच बता के उसको क्लियर कर दो कि भाई ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बातें उठ रही हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, रियलिटी कुछ अलग है, रियलिटी ये है, तो ख़त्म करो कहानी। लेकिन ना तो वो कुछ बोलते हैं और अगर कोई कुछ बोले तो उनको भी मतलब कि जो है ना मतलब हेटर्स को जो है ना गलत तरीके से बोलते हैं, भाई हेटर्स तो बोलेंगे, लोग तो बात बनाएंगे, अब मेरे ऊपर भी बहुत सारे बातें उठते हैं, लेकिन अगर जो सच नहीं है, जो सच नहीं है, जो एलिगेशन जिससे कि मैं अपने डेली लाइफ शो करती हूँ या फिर रोज़ आपके सामने आके बैठती हूँ, तो कहने कि आप लोगों को समझ में आता है कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो यूट्यूब में नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम उसके नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कहाँ से ये डिसाइड करें कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मुझे लगता है कि उनके घर वालों को रेदर देन कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फिक्र करते हैं, तो जो लोग फिक्र करते हैं एटलीस्ट उनको तो जानने का हक है क्योंकि उन्हीं के व्यूज़ से पैसे कमा के तुम लोगों ने जो है अपना जो भी चीज़ें हैं अपने लाइफ का वो तुम लोगों ने किया है, तो उनको तो एक होता है ना कि एक रिप्लाई तो बनता है उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। जो चाहने वाले हैं अगर वो भी सोचते हैं तो उनको लगता है, अगर वो भी पूछ लेते हैं तो उनको लगता है पंचायती करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सच में यूट्यूबर्स को प्यार करते हैं, अपने लाइफ का एक हिस्सा मानते, फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ऐसे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर तो नहीं बोलोगे, सब्सक्राइबर बोल के मैं उनको इंसल्ट नहीं करूँगी, जो मेरे फैमिली मेम्बर बोलो या मेरे भाई बहन बोलो, ऐसे भी बहने ही हैं जो मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं और मेरे बहुत केयर करते हैं, तो एटलीस्ट उनको तो जानना बनता है ना कि भाई मैं किस सिचुएशन में हूँ, किस सिचुएशन में नहीं, किस हालात में हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन वो हमेशा से मुंह बंद करके बैठते हैं, लेकिन अगर लोग बोले तो उनको मिर्ची लगती है, तो मिर्ची लग रही है क्या बात है, ये जो नौबत है ये तो तुम लोगों ने खुद लाया ना अपने हाथों से, तुम लोग पहले ही अगर चीज़ें क्लियर कर देते, सच का सच और झूठ का झूठ कर देते तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन तुम लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी में रहने का मज़ा आता है, मुझे लगता है अब इन लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी में रहने का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको कॉन्ट्रोवर्सी में रहना जो है मज़ा आता है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये नहीं पता, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जिन्होंने इमरान से शादी कर लिया, जिसके चलते इमरान जो है उनके घर से जो है आउट हो चुका है, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये झूठ भी है तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी उनके घर वालों को कि आके सारी चीज़ें क्लियर कर दें, ख़त्म कर दें, हम जैसे लोगों को बोलने का मौका ही ना दो, हम जैसे लोगों को बोलने का मौका ही ना दो कि हम दो सवाल करें, पहले से ही सवाल सारे जो है ना वो क्लियर कर दें। चलिए अभी का व्लॉग फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।